गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 3 इसका तीसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 उसका क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द सम बाय 60 मेथड। फाइंड द सम बाय फाइंड द सम बाय इसमें और है पहला क्वेश्चन। देखिए सिंपल रूप से आप सम करने के तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जो मेथड पूछा उसके हिसाब से चलना है। तो पहला क्वेश्चन है 6784 प्लस 6784 और इसमें आपको प्लस करना है 9999। इसका सेकंड क्वेश्चन है 10578 और इसमें आपको ऐड करना है 99999। देखिए इसमें आप ध्यान ध्यान दें तो इसमें आपका जो है 6784 प्लस 10000 रुपया इसमें मैंने करेंगे तो 10 जाएगा 0 हो जाएगा यानी 10000 और माइनस 1 10000 में से 1 माइनस करेंगे। ध्यान दे बात को 10000 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 9999। आई बात समझ में? तो अब आप यहां पर सबसे पहले जो है इन दोनों को ऐड कर दीजिए। सेकेंड देखिए 10578 यानी 10578 प्लस यहाँ पर देखिए मन इसके अंदर देंगे तो 0000 यहाँ बन जाएगा 0 फिर यहाँ 0 फिर यहाँ 0 फिर यहाँ 0 यानी यहाँ पर आपका 10 है। इसको पढ़ेंगे यहाँ वन आ जाएगा यानी वाइस 10578 माइनस वन तो माइनस वन करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा फिर यहाँ 7 फिर यहाँ 5 फिर यहाँ 0 फिर यहाँ 1 फिर यहाँ 1 यानी 110577। आई बात समझ में?
देखिए आपको हमने यहाँ पर जो है बगल में साल कर दिया ये 99,999 इसमें हमने पहले 1+ कर दिया तो आपका कितना भी मालूम है या तो आज का 100,000 आने वाला। इसके बाद 2 लाख में हमने 1,500 सेलेक्ट की, एक बार ट्राई कर दिया तो ये आपका क्या हुआ 10,500 सेलेक्ट किए, इसमें से हमने 1 माइनस कर दिया तो आपका आ गया 11,000 10,577। आई बात समझ? अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, हार एनी होल नंबर्स ए बी सी इज इट ट्रू दैट ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस बी। देखिए आपको दिया हुआ है ए प्लस बी ब्रैकेट 1 प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी प्लस सी। देखिए यहाँ जो प्रूव करना है आपको, सिद्ध करना है, तो गिवन रीजंस पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसमें वी है गिवन, तो क्या जवाब आपको मालूम है? We can take any numbers। अब देखिए यहाँ पर अपने मन से ए बी सी को कोई नंबर सपोर्ट कर लेंगे, तो हम मान लीजिए ए इज इक्वल टू ले लिए 5। आई बात समझ में? बी इज इक्वल टू 7 और सी इज इक्वल टू 1। मान लीजिए हमने सपोर्ट कर लिया कि ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है ए प्लस बी, ध्यान दें ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी प्लस सी। अब इसमें इसकी प्लेस वैल्यू आप बैठा दीजिए तो ए के सामने क्या आया आपका 5, 5 प्लस 7 प्लस सी के स्थान पर 1 इक्वल टू ए के स्थान पर आपका 5 प्लस बी के स्थान पर 7 प्लस सी के स्थान पर 1। हमने आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, हमने आप जैसे 5 7 मान लिया है, कोई भी नंबर ले सकते हैं ए के स्थान पर और बी के स्थान पर सी के स्थान पर। इसके बाद इसको आप बैठा दीजिए तो 7 5 12 हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ पर 12 1 होने के तो 13 आएगा, यहाँ पर 8 में 5 होने के 8 2 10 हो जाएगा, 30 आएगा। आप देख रहे हैं दोनों आप आ गए 30 13। तो इस तरह से आपका जो है आप याद रख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी आपका प्रूफ हो गया कि जो दिया हुआ है ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। और आपको मालूम ही है कि ये मेथड जो भी आपको बताए थे अगले दिन एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या है मालूम है, हमने आपको लिखवाया भी है, आप उम्मीद है कि आप उसको लर्न कर लिए होंगे। फॉर एनी होल नंबर्स ए बी सी वी ऑलवेज हैव ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, आपका यह एसोसिएटिव लॉ है। तो आपने
हमने से इसको प्रूफ कर दिया, क्योंकि इसको आपको प्रूफ करना था, रियल लेना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन में देखिए, कंप्लीट इज वन ऑफ द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर। देखिए मैजिक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, देखिए मैं बॉक्स बना दे रहा हूं, इसका एक पहला है फर्स्ट है, तो इसमें देखिए इस तरह से खाने को आप देखेंगे, जिसमें नाइन खाने हैं, नाइन टू नाइन वन टू यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद फाइव यहाँ फाइव लिखा हुआ है, इसके बाद नीचे एट लिखा हुआ है, यहाँ पर एट। देखिए आपके पास नाइन टू फाइव एट ये नंबर्स हैं, इसमें आप चाहे इस साइड से ऐड करेंगे, चाहे इस साइड से ऐड करें, चाहे तिरछा ऐड करें, हर तरह से आपका सेम टोटल आना चाहिए, सब आना चाहिए। तो देखिए आप तिरछा आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर तिरछा में तीनों मिल रहा है, तो एट टू टेन, टेन और फाइव देखिए 15 हो गया, ध्यान दीजिए 8 टू 10 फाइव 15। अब उसके बाद देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दो अंक है 9 टू, यानी 9 टू 11, 11 में जब दो जोड़ दें तो 15 हो जाएगा, सिंपल बात ध्यान दीजिए, यहाँ इससे हमको पता चल गया कि 15 आएगा। इसके बाद हमने यहाँ इससे ले लिया 9 टू कितना हो गया 11 और 15 हो गया। अब यहाँ देखिए एट हो गया, फोर हो गया, एट फोर आपका जगेंगे तो 12 हो जाएगा। अब इसमें 12 यानी 3, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 5 8 हो गया, बात ध्यान दें 3 और 5 या आप इसको ले लीजिए 9 है या आपका 5 9 और 10 और 14 यहाँ वाली 1 आएगा, कितने हो जाएगा 9 1 10 5 15 रहेगा। अब उसके बाद यहाँ इसको ले लीजिए 5 और 3 8 हो गया, 15 में से आप 1 माइनस कर दीजिए तो यहाँ 7 आएगा। उसके बाद अब आप देखिए 7 टू 9 हो गया, 9 हो गया, आप 15 में से 9 घटा दीजिए 6 आ जाएगा, आएगा समझ में। अब इसको देखिए ऐसे जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा, यहाँ से ऐड करेंगे तो भी 15 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो भी 15 आएगा, ऐसे ऐड करेंगे तो भी 15 आएगा, आएगा समझ में। और किसी साइड से जो ऐड करेंगे सेकेंड देखिए, तो मैं बता रहा हूं आपको दूसरा सेकेंड, इसमें भी देखिए बॉक्स बना हुआ है, ये मैजिक स्क्वायर इसके बाद बीच में 10 है और उसके बाद 4 है, यहां 4 दिया हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए आपके पास ये तिरछा मिल रहा है, तो 16 4 20 और 20 प्लस 10 ये 30 हो गया, यानी 30 आना चाहिए। अब आपको ये क्लियर हो गया कि 30 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ ये खाली इसको आप नहीं भर पाएंगे, इसको भी नहीं भर पाएंगे, तो 16 टू हो जाएगा 18, 18 और 12 बस हो जा रहा है 18, 16 टू 18, 18 12 यानी 18 12 30 में माइनस करेंगे तो 12 आएगा। अब उसके बाद देखिए आपके ये दो नंबर हो गए, 12 हो गया 4 हो गया, आई बस ने यहाँ 12 हो गया, यहाँ यहाँ से जोड़ेंगे तो भी 30 आएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो भी 30 आएगा,
यहां से लेके तो भी 30 आएगा, ऐसे आएंगे तो भी 30 30 आएगा, आई बात समझ में। तो इसको किसी भी साइड से जोड़ेंगे तो आप आइए 30 आएगा। इस तरह से क्रॉस करेंगे तो भी, इस तरह से क्रॉस करेंगे तो, जैसे 16 डिग्री 16 है और 30 30 हो गया, 30 यहां पर लीजिए 12 और 10 22 ये 30 हो गया। तो किसी भी साइड से जोड़ेंगे तो 30 आएगा। इसी तरह से आप इसका तीसरा चौथा और पांचवां कर सकते हैं। इसके बाद आठवां भी खास है, इसको आप आसानी से पास कर लेंगे। तो इसमें अब होमवर्क आपका जो है, देखिए एक्सरसाइज 3B के अलावा सभी क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं। अब आप होमवर्क में क्वेश्चन 1-2A एक्सरसाइज 3B 1-2A ये सभी क्वेश्चन को पहले तो आप एक रफ कॉपी में, फिर कॉपी में आपको जो वीडियो दिए गए उसको ध्यान देंगे। इसके बाद रफ कॉपी में 1-2A पहले आप साफ करेंगे, उसके बाद बैक कॉपी में कंप्लीट क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे में आपको एक्सरसाइज 3C आई बात समझ में। तो 3A और 3B समाप्त हो गया है। तो 3B का एक्सरसाइज आपको समझा गया होगा, ये समझ में आएगा कैसे करना है। इसी के साइड से आप उसको कर लें, उसके बाद जब ये नंबर मिल जाएगा फिर इसको जोड़ते जाइए, उसके से माइनस कर दीजिए और बचा करते जाइए और आप आगे जाकर उसको कर सकते हैं। और ये आपको क्वेश्चन मालूम कम्प्लीटली वन आप फॉलोइंग मैच पूछ पाया, तो आप जो रूल्स लिखवाए गए थे तीनों चार रूल्स हमें मिले, सबसे पहले मैंने लिखवा दिया था उसको आप लिख लिए होंगे। और देखिए जब तक रूल्स आपको ध्यान में नहीं रहेगा, रूल्स लिखने से मतलब नहीं है, आपको जो भी लाया नहीं लिखवाया सूख लिखवाया है उसको पहले आप ध्यान दीजिए और उसको अपने दिमाग में लाने का प्रयास कीजिए। जब वह दिमाग में रखेंगे तभी आपको सर साल कर पाएंगे। थैंक यू।